Deep answers. Watch Judke. Ask Khulke. Hello Deep sir, I'm 23 years old and around 6 months ago, I fell in love with a girl. At that time, I did a lot of useless things. Also, during that time, I was in depression and wanted to commit suicide, but now I am fine. Now when I look back at that phase of my life, I feel that I must have suffered from some mental trauma. Is this true? Is love a mental trauma? One of my friends is no longer alive due to the same reason. It is a common thing for the youth of today to fall in love and do such things. So please tell us, how can we escape from such a complicated experience? Sir, also explain in explicit detail that why we fall in love with that someone special where there is no feeling of lust. What kind of madness is this where the youth end up giving up their lives for it? प्यार तो बहुत प्यारी चीज है. सो आपके सवाल में प्यार के प्रति जो कुछ भी निराशाएं हैं वो गलत है. लेकिन सवाल ये है कि प्यार एक ऊंची मनोदशा है और आप जो बता रहे हैं और आप जिसे प्यार समझ रहे हैं वो जरूरत है, वो टाइम पास है, है ना, वो ईगो है. और ये तीनों तो बर्बाद करता ही है, इन तीनों में बर्बादी होती ही है. सो जो रांझे थे वो चले गए, याद रख लेना, जो मजनू थे वो चले गए, है ना. ये आजकल के बच्चे प्यार नहीं करते हैं, ये इनको ईगो पकड़ता है, टाइम पास करते हैं, फालतू बैठे हैं, जीवन में कोई है नहीं, अकेले रह नहीं सकते तो कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं. फिर समझते हैं प्यार हो गया, कोई प्यार नहीं हुआ. और फिर आप कह रहे हैं कि आत्महत्या का ख्याल आता है, लोग बाग बर्बाद हो रहे हैं. अब आत्महत्या का ख्याल आना इस बात का सबूत है कि अभी आपको अपने से ही प्यार नहीं है. और जिसे अपने से प्यार नहीं है वह दूसरे से प्यार कर ही नहीं सकता है. और प्यार का मतलब होता है दो व्यक्तियों का एक हो जाना, है ना, उसे प्यार कहते हैं. जैसे H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस कदर एक हो गए हैं कि पानी बन गया है ना. न हाइड्रोजन का अस्तित्व न ऑक्सीजन का अस्तित्व. आप रखे पानी ग्लास में, कटोरी में, हथेली पर, आपको हाइड्रोजन या ऑक्सीजन दोनों में से एक का भी अस्तित्व नहीं मिलेगा. इसे प्यार कहते हैं. यहां तो आप जो प्यार करते हैं दोनों के अस्तित्व दिन ब दिन और मजबूत होते चले जाते हैं. सो मेहरबानी करके पहले तो प्यार को, जरूरत को, टाइम पास को और ईगो को अलग करके समझना सीखें. दूसरी बात, प्यार मीठा अनुभव है, प्यार से तो भागे ही मत, लेकिन टाइम पास है तो प्यार मत खोजें. बट एक बात बताऊं, प्यार के लिए खिड़की हमेशा खुली रखें. प्यार एक मीठा अनुभव है ना. शंकर पार्वती हो, कृष्ण राधा हो, या एल्फ्रेड नोवेल हो, या चार्ली चैपलिन हो, है ना, प्यार तो प्यार होता है. इसलिए प्यार को महत्व दें और प्यार को समझें, बाकी निराशा से बाहर आए. प्यार से डरे मत और जबरदस्ती प्यार करने भागे मत. सीधा सीधा आपका जीवन है, उसे जी ले. थैंक यू वेरी मच. Hey, I am the mind, most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at AtmanEstore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे.